चाय आमतौर पर दुनिया भर में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला पेय पदार्थ है। दिन भर की थकान और सिरदर्द से राहत पाने के लिए लोग दिन में कई बार चाय पीते हैं। यह मन और मस्तिष्क को तरोताजा करने का काम करती है। चाय प्रेमियों के लिए चाय पीने के बहाने की जरूरत होती है। हालांकि चाय के कई स्वास्थ्य लाभ हैं, लेकिन अधिक मात्रा में चाय का सेवन करने से यह स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है। आइए जानते हैं अच्छी सेहत के लिए हमें कितनी मात्रा में चाय पीना चाहिए और अधिक चाय पीने के साइड इफेक्ट। सुबह आंख खुलते ही तमाम लोगों को बैठती की आदत होती है। ये सच है कि अधिकतर लोगों के दिन की शुरुआत एक कप चाय से ही होती है। एक कप चाय में 20 से 60 मिलीग्राम कैफीन होता है। कैफीन को सेहत के लिए अच्छा नहीं बताया जाता है। ऐसे में अगर आप चाय का नियमित सेवन करते हैं तो कुछ खास बातों को आप जरूर जान लें। कुछ लोगों का सोचना है कि चाय सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, इसलिए चाय फायदेमंद है या नहीं, इस बात की चर्चा अक्सर सुनने को मिलती है। हम आपको बताना चाहते हैं कि चाय पीने का कोई नुकसान नहीं होता है, पर तब जब आप इसका सेवन संतुलित मात्रा में करते हैं। अनियमित मात्रा में चाय का सेवन आपके सेहत को नुकसान पहुंचाता है, वही इसे यदि नियमित मात्रा में पिए तो आपके सेहत के लिए चाय के फायदे ही फायदे हैं। चाय में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी हैं। चाय पीने से आपको ऊर्जा और ताजगी का अनुभव होता है। प्रतिदिन एक कप चाय आपको हृदय रोग, गठिया रोग, यहाँ तक कि कैंसर से भी बचने में मदद करता है। चाय पीकर भले ही आपके दिल को तसल्ली मिलती हो, लेकिन यह दिल की सेहत के लिए बहुत खराब है। ज्यादा चाय पीने से दिल की धड़कन तेज होती है और दिल की बीमारियां होने की संभावना में भी इजाफा हो जाता है। दिन में 3 से 4 बार चाय का सेवन करने से एंटीबायोटिक दवाओं का असर बॉडी पर कम होता है। चाय पीने का असर आपकी आंतों पर भी होता है। चाय पीने से आंतें खराब हो जाती हैं, जिससे खाना पचने में दिक्कत होती है। चाय में मौजूद टैनिन शरीर में पहुंचकर आयरन को अवशोषित करने की क्षमता को कम कर देता है। कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक चाय आयरन को अवशोषित करने की क्षमता को 60% तक कम कर सकती है। एक दिन में 4 से 5 बार या फिर उससे भी ज्यादा चाय पीने आपको सीने में जलन की समस्या हो सकती है। चाय ज्यादा पीने से एसिड रिफ्लक्स की परेशानी हो सकती है। ये आंत में अम्ल के उत्पादन को बढ़ा देती है, जो सीने में जलन का कारण है। ज्यादा चाय के सेवन से नींद भी उड़ जाती है। नींद पूरी न होने के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ज्यादा उबली हुई चाय पीने से भी चाय में निकोटिनमाइड की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि आपकी है स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। रखी हुई चाय को फिर से गर्म करके कभी नहीं पीना चाहिए, ये किसी धीमे जहर से कम नहीं होता है। जहां तक हो ताजी और फ्रेश चाय ही पिए। जहां तक हो 3 से 4 घंटे के अंतराल से ही चाय का सेवन करने की कोशिश की जानी चाहिए। ज्यादा दूध वाली चाय की जगह ग्रीन टी का सेवन किया जा सकता है। अगर आप गर्म हर्बल चाय पीते हैं तो इसके सारे गुण गायब हो जाते हैं, इसलिए पहली बार चाय बनाने के तुरंत बाद ही चाय पिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।